हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, नए साल से जुड़ी अनेक मान्यताएं प्रचलित है, नव वर्ष के स्वागत का तरीका जो भी हो, लेकिन मन में यही भावना होती है कि आने वाला साल जीवन में खुशियां लेकर आए। लेकिन दोस्तों, भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग समय पर नया साल मनाते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन नव वर्ष दीपावली के अगले दिन शुरू होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को दीपावली के दिन ही मोक्ष प्राप्ति हुई थी। इसके अगले दिन ही जैन धर्म के अनुयायी नया साल मनाते हैं, इसे वीर निर्माण संवत कहते हैं। गुजरात में भी नए साल का आरंभ दीपावली के दूसरे दिन ही होता है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है, इसे हिंदू नव संवत भी कहते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की थी, इस दिन से विक्रम संवत के नए साल का आरंभ भी हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अप्रैल में आती है। इसे गुड़ी पड़वा, उगादि आदि नामों से भारत में अनेक क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की पहली तारीख को मुस्लिम समाज का नया साल हिजरी शुरू होता है। इस्लामी या हिजरी कैलेंडर चंद्र आधारित है, जो न सिर्फ मुस्लिम देशों में इस्तेमाल होता है बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम भी इस्लामी धार्मिक पर्वों को मनाने के लिए, उनका समय जानने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंधु धर्म की बात करें तो सिंधी नव वर्ष चेटीचंद उत्सव से शुरू होता है, जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। और दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था, जो वरुण देव के अवतार थे। अगर सिख धर्म की बात करें तो पंजाब में नया साल वैसाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो अप्रैल में आता है। सिख नानक साई कैलेंडर के अनुसार होला मोहला नया साल होता है। अगर पारसी धर्म की बात करें तो नया साल नवरोज के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर 19 अगस्त को नवरोज का उत्सव पारसी लोग मनाते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि बहुत वर्ष पूर्व शाह जमशेद जी ने पारसी धर्म में नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई समाज 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि बहुत वर्ष पहले बेबीलोन में नया वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि भी मानी जाती थी। उस समय रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने अपने कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए साल का उत्सव मनाया गया। तब से लेकर आज तक ईसाई धर्म के लोग इसी दिन नया साल मनाते हैं। और दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित नव वर्ष है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग धर्मों में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। कई धर्मों में नाच गाकर नए साल का स्वागत किया जाता है, तो कई पूजा पाठ का ईश्वर की आराधना करके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, जिससे दूसरों को भी ये बात पता चले। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।